अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। अब तो हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त स्कैल्पिंग इंडिकेटर लेके आए हैं जिसको हम लाइव देखेंगे और इनकी सेटिंग आपको डिस्कस करेंगे और ये किस तरह काम करता है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा ये मूवमेंट क्रैश पे बहुत अच्छे से काम करता है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ये मूवमेंट क्रैश पे कैसे काम करता है। इसके अलावा स्टेप इंडेक्स पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ग्राफ का ना कलर चेंज करना है, जो कि बहुत मैटर करता है हमारे इस मतलब इंडिकेटर को। तो चलते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये MT5 के लिए है, MT5 के लिए आप MT4 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग्स आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो फ्लैक्चुएशन है वो बहुत लो होती है और MT5 पे जो फ्लैक्चुएशन होती है वो बहुत हाई लेवल ही होती है। तो आप MT5 पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन MT4 के लिए आपको थोड़ा सी पॉइंट्स कम करने पड़ेंगे हर इंडिकेटर के, तो वहाँ अप्लाई हो जाएगा MT4 पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है, डबल प्रेस करना है, इसकी सेटिंग पे जाना है। इसके बाद ये नीचे नीचे आपने देखना है कलर्स पे आ जाना है। स्कीम हमेशा आपने कस्टम रखनी है, कस्टम कैसे रखनी है, यहाँ आपने क्या करना है, ग्रीन ऑन ब्लैक इस पर इसको टच कर देना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ। फोरग्राउंड पे आपने ये कलर रखना है, फोरग्राउंड ये होता है कि आपको जो प्राइसेस वगैरह नज़र आ रही होती हैं वो किस कलर में चाह रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये कलर रखा है, आप ये और कलर भी रख सकते हैं। आगे ग्रिड, ग्रिड ये होता है कि आपको जो लाइनें नज़र आ रही होती हैं ना ग्राफ के पीछे, तो आप चाह रहे हैं कि उनको गायब करना, तो हमने ऊपर कस्टम में कलर ब्लैक रखा है, तो हम चाह रहे हैं कि यार वो ब्लैक हों, हमें नज़र ना आए, तो हमने ब्लैक रख दिया। बार अब आपको पता है कि ये ग्रीन कैंडल बाई कैंडल के लिए होता है, ये हम ग्रीन रखते हैं, बार डाउन रेड रखते हैं क्योंकि ये सेल की कैंडल होती है। बुल कैंडल भी इसी तरह है, बियरिश कैंडल भी इसी तरह है। नीचे कलर्स आपने नहीं छेड़ने, बस यही कलर्स आपके होंगे। ठीक हो गया, आप डन करेंगे ना तो आपके साथ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये दरमियान में जो लाइनें हैं वो गायब हो गई हैं, और ये जो लाइनें हैं ये डे हैं, ये डे को हमें शो करवा रही है कि इस डे को ये हुआ है, ये डे मतलब डे वाइज लाइनें बनी हैं, ये नहीं गायब होंगी, ये ऐसे ही रहेंगी, जो दरमियान में जो लाइनें वो गायब होगी। अब आगे हम सेटिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत से इंडिकेटर्स उनकी सेटिंग्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता हूँ, आपको कहाँ उसके इंडिकेटर्स का काम करने का तरीका आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। आप पूरे यूट्यूब चैनल से उठा के देख लीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह के इंडिकेटर्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, ना कोई इतना डीपली समझा रहा होता, लेकिन मैं आपको अच्छे से गाइड करता हूँ ताकि आप लोग भी प्रॉफिट में आ जाएं, जैसे बाकी लोग सब प्रॉफिट में जा रहे होते हैं, आप लॉसेस में होते हैं अक्सर लोग, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सब लोग सब प्रॉफिट में जाएँ और जो लॉसेज हैं वो अपने रिकवर करें। तो हम चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कि ये टोटल लिस्ट है इंडिकेटर की, ठीक है, टोटल लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करेंगे ब्लिंजर बैंड, फर्स्ट इंडिकेटर ब्लिंजर बैंड। ये इंडिकेटर क्या करता है, हमारे जो ट्रेंड्स होते हैं ना उनको वाजे करके दिखा देता है कि ये डाइवर्जेंस बन रही है, डबल बॉटम बन रहा है, फलां बन रहा है, फलां बन रहा है, ये सब कुछ दिखा देता है हमें, वाजे नज़र आ जाता है। आपने क्या करना है, पीरियड 10 डेविएशन 1.000, शिफ्ट -5, अप लेफ्ट क्लोज 1 पिक्सल, स्टाइल आगे लेवल्स, यू कैन सी लेवल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, नेक्स्ट -0.1, -0.2, -0.3, -0.4 एंड -0.5, स्टाइल 2 पिक्सल, कलर चेंज, ओके नेक्स्ट। इनवॉल्व्स, यार इसको अक्सर इनवॉल्व्स भी बोलते हैं, एनवॉल्व भी कहते हैं, तो मैं इसको इनवॉल्व्स बोलता हूँ, ठीक है। तो आगे पीरियड 14, शिफ्ट 0, डेविएशन 0.0, 10, मैथड सिंपल, अप्लाई टू क्लोज अपर बैंड्स 4 पिक्सल, लोअर बैंड 4 पिक्सल, कलर चेंज, नेक्स्ट, सॉरी नेक्स्ट, इचुमोकू, इचुमोकू यू कैन सी इचुमोकू लेवल, इचुमोकू पिक्सल एंड कलर्स। सो आपने भी ऐसे ही रखे हैं जो मैंने रखे हैं, ठीक है। आपने ये टेकन सेन 9 की जो सेन 9 सेंको स्पैम स्पैन बिन 52 फिल फुल करना है इसको। नीचे आपने कलर रखने हैं ऐसे, और अप कॉमो डाउन कॉमो में आपने यही कलर रखे रखने हैं। अगर आप कलर इनमें से चेंज करेंगे ना तो आपको ग्राफ सही नज़र नहीं आएगा, ग्राफ में गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि आप हमें समझ नहीं आ रही, फिर आप दोबारा से वीडियो देखेंगे, तो आपने ये गलती नहीं दोहरानी। इसके बाद आता है पैराबोलिक सार, इसको ओपन कर लेते हैं हम। स्टेप हमारा है 0.005,
मैक्सिमम है 0.05, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर आपने यही रखना है। आगे आ जाते हैं फ्रैक्टल्स या जो भी है यार, इसको ओपन कर लेते हैं। इसका है स्टाइल 4 पिक्सल, कलर आपने ग्रीन रखना है, यही कलर रखना है आपने। इसके बाद है इंडिकेटर विंडो 1, ओसीलेटर स्टोटिक ओसीलेटर विंडो या स्टैटिक या स्टोटिक जो भी है, उसको ओपन कर लेते हैं। KPA 1, DPA 1, स्लोइंग 1, प्राइस फील्ड लो हाई मेथड सिंपल, मेन 1 पिक्सल, कलर ब्लैक, सिंगल 1 पिक्सल, कलर ब्लैक। सो लेवल्स बिल्कुल आपने सेम यही लेवल रखने, ये आपकी मतलब गाइडलाइन है आपके लिए। ये इंडिकेटर हमारे लिए होते ही गाइडलाइन है, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ, पहले हम इसकी सेटिंग को डिस्कस कर लें। आपने बिल्कुल सेम यही रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट मूविंग एवरेज पीरियड 3 shift 0 मेथड, लीनियर वेट अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 pixel, कलर चेंज ओके। सेकेंड मूविंग एवरेज ये वाला पीरियड 5 shift 0 मेथड सिंपल, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 pixel, कलर चेंज ओके। सो थर्ड मूविंग एवरेज ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है कलर, ये वाला भूल ना जाइएगा इसमें ये लगाते हुए। थर्ड मूविंग एवरेज पीरियड 2 shift 0 मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 pixel, कलर चेंज ओके। फोर्थ मूविंग एवरेज पीरियड 50 shift 0 मेथड एक्सपोनेंशियल, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 pixel, कलर चेंज नो लेवल। आगे है RSI, नेक्स्ट RSI। सो पीरियड 1 अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 pixel, कलर वाइट। लेवल्स सेम यही लेवल्स आपने लिखने हैं, 90, 10, 80, 70, 50, 40, 60, 30, 20 ओके। नेक्स्ट ब्लिंजर बैंड, यहाँ आपने सेम वही ब्लिंजर बैंड लगाना है जो इंडिकेटर फर्स्ट इंडिकेटर में लगाया, सेम इसी में भी यही लगाना है। यहाँ आपने क्या करना है, कलर चेंज रखने हैं, ठीक है। आगे है इजुमोकू, इचुमोकू को ओपन कर लेते हैं। इचुमोकू की सेटिंग भी आपके सामने है, बिल्कुल सेम वही दोहरानी है आपने, सेम वही लगाना है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। आगे हम ये हमारी सेटिंग होगी कंप्लीट। आगे आप ये देख लीजिएगा कि जो जो नज़र आ रही है ना आपको प्राइसेस वगैरह, ये सब कुछ ये इंडिकेटर ऐसे शो होता है। अब ये एक ट्रेंड बन, मैं दिखा देता हूँ ट्रेंड, मैंने बताया था ना कि ये ट्रेंड को भी शो करते हैं। अब ये हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉरी, मार्केट ऊपर से आई है, ये ऊपर गई, पहले हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर इसको नीचे से आई है, फिर ऊपर निकल गई है, अब ये यहाँ से बाय होगा, मतलब ये एक ट्रेंड है। आपको पता होगा, अगर आपको थोड़ा सा भी ग्राफ के बारे में नॉलेज है तो आपको जज लगा सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई ही बाय ट्रेंड में जा रहा है, ये एक जो है ट्रेंड कंप्लीट कर रहा है, जो जो कि फोरेक्स ज़रूर करती है और लाजमी ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है। और भी इसी तरह देख लेते हैं। और ये एक और बात, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, ये कलर में चेंज करना भूल गया, लेकिन आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में मूविंग एवरेज है 50 वाला, वहाँ आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये क्या हुआ कि इस लाइन ने क्या किया, पहले ये लाइन ऊपर थी, ये देख रहे हैं ये लाइन ऊपर थी, बाद में क्या हुआ, ये लाइन यहाँ से ना क्रॉस हो गई, यहाँ से क्रॉस हुई, और इसके बाद ऊपर क्या रिएक्शन आया, ऊपर ये रिएक्शन आया कि ये डॉटेड बनना शुरू हो गया, ठीक है ना, ये डॉटेड बने, मतलब हमारी जो एंट्री थी वो कंफर्म हो गई, कंफर्म एंट्री हमने ले ली। उसके बाद क्या सीन हुआ कि ये जो आपको आ रहे ना फैक्टिकल्स या जो भी स्टार्स, इसने हाई का ना लो का ये बना दिया। अब देखिएगा कि ये इसके ऊपर ही है स्टार्स, नीचे स्टार्स नहीं है इसके, तो ये हमारे लिए ये भी एक कन्फर्मेशन है। इसके अलावा ये कन्फर्मेशन होगी, और ये स्टार वाली दूसरी कन्फर्मेशन होगी, और नंबर 3 ये जो कन्फर्मेशन है ये हमें एक सिग्नल भी प्रोवाइड करता है कि ट्रेंड, मतलब इसने हमें बताया है कि ये ट्रेंड है, ठीक है, इसने हमें ये बताया कि ये ट्रेंड है, ठीक है। इसने हमें एक तो ट्रेंड का भी बता दिया कि यार ये ट्रेंड को फॉलो करता है हर बार, तो अब इस ये ट्रेंड बना रहा है, तो आप भी यहाँ आकर बंद करके बाय लगा सकते हो। ये होती हैं कन्फर्म एंट्री, ये नहीं होती कि किसी भी ग्रुप से सिग्नल उठा लिया और देख लिया, लो जी इसने बाय किया, चलो जी आपने भी बाय लगा दिया, ऐसे फॉरेक्स नहीं की जाती। अब यही एंट्री देख लें, ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ एंट्री भी।
ये क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, देखा है पहले, जज किया है कि इसने मार्केट नहीं ना, यहाँ क्या किया है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन रख लेता हूँ। ये यहाँ देखिएगा, मार्केट पहले ये लाइन ऊपर थी, फिर क्या हुआ, इस लाइन ने क्रॉस कर दिया और लाइन नीचे आ गई। ये लाइन मार्केट के नीचे, मार्केट ऊपर, लाइन नीचे, तो इधर से लाइन ऊपर थी और नीचे क्या किया, इसने लाइन 10 को भी क्रॉस कर दिया, टच हुई है, लाइन 15 को भी क्रॉस किया, अब तो लाइन 20 के दरमियान घूम रही है। तो ये क्या होता है, कन्फर्म एंट्री होती है। तो मैंने क्या किया, देख सकते हैं कि कितनी एग्जैक्ट एंट्री लगी हुई है। तो ये कैसे लगाई गई हैं, ये एनालिसिस लगा के, जज करके, इंडिकेटर को देख के लगाई हैं। इंडिकेटर, एक और बात जहन नशीन कर लें कि इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होते, कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। अगर यही चीज़ें अगर एक्यूरेट होना शुरू हो गई तो हर बंदा प्रॉफिट में हो, फिर तो फोरेक्स वाले अपनी सारी जो मार्केट्स हैं ये बंद कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है, लॉसेज हमारे मार्केट के साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेते हैं, लॉसेज का भी सामना हमें करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो, छोटी सी वीडियो, तो आपको पसंद आई होगी और ये इंडिकेटर भी आपको पसंद आया होगा कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है। एक और बताता चलूँ कि ये पैराबोलिक सार, ये जो डॉटेड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं कि यहाँ से बाय होना, बाय होने लगा ना, इसने क्या किया, स्टार बनाना शुरू कर दिए। और जब क्या हुआ कि ये जो स्टार बन गया ना ऊपर, ये बना और साथ ही ना डॉटेड बनना शुरू हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि यार जहाँ ट्रेंड चेंज होने वाला है, क्योंकि ये टॉप पे बना है, ये सपोर्ट पे बना है, ये स्टॉप पे बना है ये वाला। तो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यार नीचे चली गई है, मार्केट नीचे गई है। मैं दिखा देता हूँ, अब मैं वाजे करके दिखा देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी तो यार पूरा देखिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए चीज़ें हैं। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आई और यहाँ फिर एक स्टार बना दिया, ये देखो, फिर एक हाई बना, लो बना दिया, ये देखें। अब जो बाकी जो स्टार नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको छोट ऊपर ऊपर नज़र आ रहे हैं इसके, और साथ क्या हुआ, पैराबोलिक वो स्टार बने, जो फ्रैक्चर जो जो फ्रैक्टर्स जो हमने लगाया था, ये वो बने, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये इंडिकेटर की सेटिंग है, ऐसे ये काम करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, अगर आप इसको समझ के यूज़ करते हैं ना, तो आपको ये लॉसेस से बचा सकता है। अदरवाइज लॉसेस तो फोरेक्स में कन्फर्म है, लेकिन थोड़े बहुत लॉसेस से आपको बचा सकता है। तो इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।